ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ର ନୂଆ ଆସନ ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘମାସାନ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ କୁ ଏକ ରଖିବାକୁ ବିଜେପି ର ନୂଆ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ଲୋଗାନ କଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ ବନାମ ଜୁଡୋଗେ ତୋ ଜିତେଙ୍ଗେ ଉପନିର୍ବାଚନ ର ଏହି ପ୍ରୟୋଗ 2027 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଖାଇବ ମାର୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରେ 13 नवंबर रे 9 विधानसभा आसन रे हेबाकु जाउछि उपनिर्वाचन या पूर्वरु पूरा राज्य रे जोर धरिछि बांटीबा उजोडीबा राजनीति यार आरंभ होइतला यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पटेंगे तो कटेंगे स्लोगान बहनों भाइयों राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे तभी नेक रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश में देख रहे हो ना तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भल भाव जानी छंती यही नारा हिंदू भोटर ध्रुवीकरण करिपे आदि एपरी हुए तोमकर पत्ता साफ हो कारण उत्तर प्रदेश में हिंदू भोटर संख्या मोट भोटर संख्यार 80% से अखिलेश यादव यही नारार काट खोजार लगी अखिलेश सबुठ ताजा प्रयास एक्स हैंडेल पोस्ट जो थे से बीजेपी और एसपी उभयर पोस्टर को देखाई आखिंट जहार चिंताधारा जेपरी तांकर स्लोगान से परे यहाँ पर जोगिंग का स्लोगान रो काट पाई आउ एक प्रयास करिछंती अखिलेश शनिवार पुणी एक्स रे पोस्ट कर लिखिछंती सेमानंकर नारा नकारात्मक और निराशार प्रतीक सेमानंकर भोटर खसुछंती सेतिपाई भोटर को भयभीत करा जाउछि। अखिलेशकर एभली पोस्ट स्पष्ट करुछि से हिंदू भोट ध्रुवीकरण को नहीं केते भयभीत जोगिंग का नारा जदि चलिला ताहले अखिलेशंकर पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फर्मूला पूरा फ्लॉप होइजबो। जोगिंग का बटेंगे तो कटेंगे स्लोगान रो जवाब रे एसपी पोस्टर लगाई जुड़ोगे तो जीतेंगे। गत 24 लोकसभा निर्वाचन रे जाति आधार रे हिंदू भोट रो विभाजन जोगु बीजेपी उत्तर प्रदेश रे 29 आसन रो क्षति सहिबा सह खसी आसीथिला 33 कु आ समाजवादी पार्टी 32 आसन रो फायदा सह पहुंची जाइथिला 37 रे तेणु हिंदू भोट जेपर विभाजन न हुए सेतिपाई बीजेपी एथर खूब सतर्क सेतिपाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधा सीधा जोगिंग का स्लोगान दोहराई नथिले भी समान ढंग रे देशवासी को देइछंती चेतावनी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें देश की एकता अखर रही है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। ये प्रसंग में बीजेपी आत्म रक्षणात्मक मुद्रा रे नजर आसुनी बरम बीजेपी नेता अधिक आक्रामक होइछंती मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह का बटेंगे तो कटेंगे नारा रो व्याख्या सुनंतु। इफ यू विल बी डिवाइडेड देन यू विल बी क्रश्ड तो वो खाली अनुवाद हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। रही बात ये एक लाइन हमको पूरा इतिहास बता देती है भाई वो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं किस लिए एक होती हैं इसलिए कि सिर्फ मुसलमान न बटे। तो जो सारे दुनिया देश की पार्टियां एक हो सकती हैं कि सिर्फ मुसलमान न बटे और हिंदू को जातियों में बांट दिया जाए तो हम कहते हैं कि हम भी न बटें तो हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव केवल नारों से नहीं होगा, जो आप कह रहे हो जुटोगे तो जीतोगे। आप हिंदुओं को बांट करके और मुसलमानों को साथ लेकर के चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बनाने की योजना आपकी है। यार जवाब रे समाजवादी पार्टी रा दलील हेला आमे तो जोड़ीबा कथा कहूछु। इस स्लोगान लड़ी आउ यूपी मध्य रे सीमित नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा निर्वाचन रे यार प्रभाव मध्य देखिबा को मिलिछु। ते गोटिए कथा स्पष्ट, कम से कम 13 तारीख यूपी उपनिर्वाचन मतदान पर्यंत एही स्लोगान राजनीति ठंडा पड़िबार कोनोसी संभावना नहीं। आउ निर्वाचन फल कह नारा को मिली जनता समर्थन। 2027 विधानसभा निर्वाचन देखा विजयर मार्ग। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।